गाइज वेलकम बैक टू माई चैनल, कैसे हैं आप सब। आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए ऐसी आसान सी एक्सरसाइजेस जो आपकी बाजों को बहुत अच्छे से टोन अप कर देगी। अगर आपका भी यहाँ का जो फैट है वो लटक रहा है तो आप भी इन एक्सरसाइजेस को फॉलो करके अपनी आर्म्स को बिल्कुल सेक्सी बना सकते हैं, टोन कर सकते हैं। आपने नोटिस करा होगा हम लेडीज में, गर्ल्स में, जैसे ही हम 25 क्रॉस करते हैं हमारी बाजू बहुत बल्की हो जाती है, उनमें बहुत फैट आ जाता है, वो भी लटकने लगता है। हमारी बॉडी स्ट्रक्चर ठीक होगा लेकिन बाजू एक अलग से जा रही होगी जो आपके कॉन्फिडेंस को बिल्कुल लो कर देती है। आप स्लीवलेस नहीं पहन पाते और आपको शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है। तो फुल स्लीव की जगह आप पहनो हाफ स्लीव और अपनी आर्म्स को अच्छे से फ्लॉन्ट करो, दिखाओ और कोई भी ड्रेसेस पहनो। तो चलिए फटाफट से फॉलो करते हैं ये आसान सी एक्सरसाइजेस जो आपको विद इन अ मंथ बहुत अच्छा रिजल्ट देंगी। जिसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, अपनी आर्म्स को इस तरीके से, इसमें हम लोग गलती क्या करते हैं, मिस्टेक आप लोग क्या करते हैं, जब आप आर्म्स को इस तरीके से लाते हैं तो अपने शोल्डर पे आप ज्यादा लोड दे देते हैं और आर्म्स पे आप बिल्कुल लाइट कर देते हैं। आपने शोल्डर को बहुत हल्का छोड़ना है और आर्म्स पे आपने लोड देना है जिससे कि आपकी आर्म्स का फैट कम होगा, ना कि शोल्डर का। तो इस चीज का ध्यान रखें, बहुत इफेक्टिव है बट मिस्टेक ना करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 10 रैप्स और इसके करने हैं आपको 4 सेट। शोल्डर बिल्कुल आपके हल्के रहेंगे, उनको शिफ्ट नहीं करना, सारा लोड आपने हाथों पे डालना है। एक चीज मैं आपको और क्लियर करना चाहती हूँ, जब भी आप कोई वर्कआउट करते हैं तो स्लो मोशन में करें, चाहे आप टमी का कर रहे हैं, चाहे आप कहीं बॉडी किसी भी बॉडी पार्ट का कर रहे हैं। आपको प्लस पॉइंट बताती हूँ, अगर अपनी आर्म्स को आप कम करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको स्पेशली कोई टाइम निकालने की जरूरत नहीं। अगर आप किसी से घर में बात कर रहे हैं, आप कोई काम कर रहे हैं या फिर टीवी देख रहे हैं, उस टाइम को भी आप बहुत अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं। अपना टीवी सीरियल देखते भी रहें और आर्म्स का वर्कआउट करें। खाना कब खाया है वो मैटर नहीं करता क्योंकि आप टमी वर्कआउट नहीं कर रहे जिसमें कि आपको खाने का टाइमिंग देखना पड़ेगा। तो जैसे ही टाइम मिलता है, ऑफिस में ब्रेक टाइम है, लंच टाइम से फ्री हो गए हो, अलग से जाकर कहीं भी यार स्टार्ट हो जाओ, क्योंकि एक बार आपका फिजिक मेंटेन हो गया ना तो सब आपसे टिप्स लेंगे कि आप कैसे फॉलो करती हैं एक्सरसाइजेस। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी सेकेंड एक्सरसाइजेस की तरफ। से रखिए इस तरीके से हम फ्लाई करेंगे अपनी आर्म्स को, शोल्डर बिल्कुल लाइट रहेंगे, उन पे हम वेट नहीं डालेंगे। आर्म्स को अगर आप थकाएंगे तो आपकी आर्म्स में पेन होगा, शोल्डर में बिल्कुल पेन नहीं होना चाहिए। नेक आपका बिल्कुल स्ट्रेट रहेगा, जो इंस्ट्रक्शंस दे रही हूँ उसको करेक्टली फॉलो करिएगा। अगर आप ये चीज़ें नहीं सुनेंगे तो आप करेक्ट एक्सरसाइज नहीं कर पाएंगे और उसका इफ़ेक्ट आपकी आर्म्स पर नहीं आएगा। आपको करने हैं 20 रैप्स और 20 रैप्स के करने हैं आपको 5 सेट्स। बाद आपको इस एरिया में लोड फील होगा, पेन शुरू हो जाएगा। अगर आप शोल्डर पे वेट डालेंगे तो आपकी ये जगह स्टिफनेस होगी, जो कि गलत है क्योंकि आपने डालना है सिर्फ आर्म्स पे मूवमेंट और शोल्डर और नेक को बहुत आराम देना है। तो चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं अपनी थर्ड एक्सरसाइज की तरफ। के लिए आप इस तरह का एक इलास्टिक ले सकते हैं जो बहुत ही सस्ता आता है और बहुत इफेक्टिव है। इसके लिए आपको क्या करना है, अपनी बैक पे प्लास्टिक को ऐसे होल्ड करना है, बैक साइड से टाइटली होल्ड करना है, इलास्टिक का साइज बड़ा है, और आपको अपनी बाजू को ऐसे ऊपर लेके जाना है, फिर डाउन। जितना आप प्लास्टिक को पास से पकड़ेंगे
उतना आपके इस मसल पे स्ट्रेच आएगा और यहाँ का बल्किनेस खत्म हो जाएगा और आपकी मसल टाइट हो जाएगी। तो चलिए फॉलो करते हैं। इसके आपको करने हैं 20 रैप्स और 20 रैप्स के करने हैं आपको फोर सेट। यहाँ पर आपके 20 रैप्स कंप्लीट होते हैं, करने हैं 4 सेट। प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, सेट्स को और पोजीशन को करेक्टली फॉलो करिएगा, डेफिनेटली आपको बहुत पॉजिटिव रिस्पांस मिलेगा, ये मेरा वादा है। अब बारी आती है नेक्स्ट एक्सरसाइज की, जिसके लिए आपको लेने हैं इस तरह के डंबल्स जो इजीली आपको मार्केट में मिल जाएंगे, क्योंकि हम बिना जिम जाए अपने बाजू को अगर टोन करना चाहते हैं तो इस तरह की चीज़ें आपको अपने पास ज़रूर कैरी करनी चाहिए जो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अपने डंबल्स को इस तरीके से आगे रखेंगे, अपना बैक स्ट्रेट रखेंगे। आप देख रहे हैं मेरी जो कोहनियाँ हैं वो मेरी बॉडी के साथ टच नहीं है। अगर आप उनको सपोर्ट देंगे तो आपके इस एरिया में लोड नहीं आएगा और वहाँ का फैट रिड्यूस नहीं होगा। तो उस चीज़ का ध्यान रखें, पोजीशन का आगे रखा हुआ है, फिर मैं फोल्ड कर रही हूँ, फिर नीचे जा रही हूँ स्लो मोशन में। जल्दी जल्दी आपको ये नहीं करना है, स्लो करना है। करने हैं हमें 10 रैप्स और उसके करने हैं 3 सेट। तो चलिए फॉलो करिए मुझे। कंप्लीट होते हैं 10 रैप्स। तो आई होप कि आपको मेरा ये वाला वीडियो बहुत बेहतरीन लगा होगा। प्लीज टिप्स इंस्ट्रक्शंस जो जो आपको मैंने बताई हैं, एक एक वर्ड को ध्यान से सुनकर फॉलो जरूर करिएगा, तो डेफिनेटली आपकी आर्म्स भी बहुत बढ़िया हो जाएंगी। ऐसे ही खूब सारा प्यार देते रहे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर एंड स्टे हेल्दी।